Hello and welcome to daily current affairs classes. Today we are going to cover 26 June के current affairs को आज हम cover करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो 26 जून को हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज, ऑल्सो इट इंक्लूड्स एलिसिट ट्रैफिकिंग। तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ड्रग अब्यूज को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है। तो 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के रूप में एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में चलाया जाता है। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक सबसे पहले मतलब करंट अफेयर्स की जो मेन पार्ट है उसको स्टार्ट करें, उससे पहले हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अभी रिसेंटली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो थी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है अभी भी, राइट? और इसलिए इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। आफ्टर नीट एंड यूजीसी नेट डिबेकल्स, अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहा नीट और यूजीसी नेट, जिसका एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। एनटीए रिफॉर्म्स पैनल वोज टू चेक इररेगुलरिटीज इन एग्जाम। तो इससे पहले बहुत सारे अपडेट इसके ऊपर आ चुके हैं। आपने देखा नीट एग्जामिनेशन के अंदर जो पेपर लीक और चीटिंग का जो केस आया था उसको लेके बिहार से कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग गैंग भी पकड़ा गया है, एंड बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज रही और होना भी चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी एक्शन लिया है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें आपको नया आप देखेंगे कि अपडेट कर दिया गया है रिलेटेड टू कि नया लॉ लेके आया गया है, एंटी चीटिंग लॉ को लेके आया गया। फिर उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि और एनटीए ने कोशिश किया है कि जो इसमें और क्या रिफॉर्म किया जा सकता है, तो उसके ऊपर अपडेट आया है। अ 7-member कमिटी लेड बाय के राधाकृष्णन, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं के राधाकृष्णन, ये इस टीम को लीड करेंगे। एंड इनको अपॉइंट किया गया है किसकी तरफ से, बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू स्टडी एंड रिकमेंड चेंजेस टू द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। तो जो एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है उसमें और क्या ऐसा किया जा सकता है कि आगे से चीटिंग ना हो, पेपर लीक वाला कोई केस ना हो, इस प्रोसीजर में और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसीजर चलते हैं, एसओपीज हैं कि आप जाते हैं, बायोमेट्रिक्स भी होता है, इसके अलावा प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी चेक भी होता है, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो सोचने वाली बात है। इसमें फॉलोइंग द कंट्रोवर्सी ओवर अ लीक्ड पेपर फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट इन 2024 एंड द सस्पेंशन ऑफ नेट यूजीसी, उसके बाद फिर दूसरा धक्का इसलिए लगा, नेट का एग्जाम था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे जो हैं इतनी मेहनत से साल भर तैयारी करते हैं और कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो जितना भी जो एक प्लानिंग होती है, शेड्यूल होता है, दोबारा पढ़ना, मेहनत करना, वो भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो नीट का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसको लेके ये कमिटी बनाई गई है कि ये चेक करे कि आगे से ये चीजें ना हो, दोबारा ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्या इसमें इस कमिटी में और भी जो मेंबर्स हैं, 7 member की टोटल ये कमिटी है। जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका नाम है बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल, गोविंद जायसवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये भी इसमें एडेड है, और बाकी सब अपने एजुकेशन के फील्ड से एक्सपर्टाइज हैं, राइट। अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर प्रोफेसर बीजे राव, ये वापस उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। ओके, द एक्सपर्ट पैनल हैज बीन फॉर्म टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशन। तो इनको इसीलिए बनाया गया है कि ये रिव्यू करें, जांच पड़ताल करें और रिकमेंड करें कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सो रिफॉर्म इन द मैकेनिज्म ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, कि किस तरीके से एग्जामिनेशन प्रोसेस में रिफॉर्म लाया जा सकता है, इसका जो तरीका है एग्जाम लेने का तरीका, क्या उसमें कोई चेंज करने की जरूरत है। एनालाइज द होल एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ाएं, कि अगर कहीं पे कोई जहां पे सेंटर पड़ रहा है उस सेंटर पे और क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, राइट, ताकि किसी भी तरीके का कोई ब्रीच ना हो। इट विल ऑल्सो कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो एसओपीज होते हैं,
जैसे कि आपने देखा होगा कि पेपर जो होता है सील होके आता है प्रॉपर, बच्चों के सामने उसको फाड़ना होता है, फिर क्वेश्चन पेपर निकालना होता है, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। तो उसमें और क्या चेंजेस किया जा सकता है? सुबोध कुमार सिंह द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन फायर्ड। अब आप इसमें ये देखिए कि जब भी ऐसा कोई केस होता है जो नेशनल लेवल पे मास लेवल पे उसको लेके प्रोटेस्ट किया आता है, तो इन दैट केस सबसे ऊपर गाज गिरती है जो उसके मेन इंचार्ज होते हैं। तो जो पहले एनटीए के डायरेक्टर जनरल थे उनको हटा दिया गया सबसे पहले, तो कौन थे? सुबोध कुमार सिंह, एंड ही वाज फायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अप्रोर सराउंडिंग द एनालाइज। इसके अलावा फिर अब किसको ये दिया गया है काम, उनको भी एक बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें। द इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला, जो कि ऑलरेडी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड इनको फिर से बनाया गया है किस चीज का डायरेक्टर जनरल, एनटीए का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन नवंबर 2017। तो नवंबर 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं जैसे यूजीसी नेट हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, ये सब एग्जाम कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए कंडक्ट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फेलोशिप इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस समय करेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, जब धर्मेंद्र प्रधान जी जा रहे थे ओथ लेने के लिए, अभी जो नई पार्लियामेंट जिसमें एमपी जो नए इलेक्ट होके आए हैं, तो ओथ सेरेमनी जो चल रही थी, तो उसमें अपोजिशन जो पार्टी है उन्होंने बार बार नीट नीट बोल के इनको चढ़ाने की भी कोशिश की, राइट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने लॉन्च किया है क्या, वन वीक वन थीम कैंपेन। नाउ व्हाट इज दिस वन वीक वन थीम कैंपेन, आइए समझते हैं। इस समय ये किसके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, अगर हम बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक वीडियो में आपको ये समझाया था कि कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दोनों डिफरेंट होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जो कई बार कैबिनेट की मीटिंग होती है, हर एक मुद्दे पे पॉलिसीज वगैरह पे डिस्कशन होता है, तो वो एक ग्रुप होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं। जब कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग होती है तो उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मंत्रालय है ये पूरी तरह इनके पास होता है सर, राइट। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट चार्ज बोला जाता है। तो ये किसके हैं, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अर्थ साइंस के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इन लोगों ने मिलकर, इस डिपार्टमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है वन वीक वन थीम कैंपेन विच हाईलाइट्स रिसेंट अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इस कैंपेन के अंदर दिखाया जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, नया क्या बनाया जा रहा है, इनोवेशंस क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर एक पूरा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये उस पर अपडेट होता रहेगा, सो दैट बाकी जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इस चीज से अवेयर रहेंगे और उससे सीख के फिर अपनी जो इनोवेशन करना है वो कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना था कि आवर गोल इज टू कंबाइन द एफर्ट्स ऑफ ऑल CSIR लैब्स वर्किंग ऑन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज डुप्लीकेशन एंड मैक्सिमाइज रिसोर्सेज, की डुप्लीकेशन ना हो और रिसोर्सेज को और मैक्सिमाइज किया जाए, इसीलिए हमने ये लैब जो है बनाया है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं। मेकिंग इनोवेशन इंक्लूसिव फॉर ऑल इज द गोल ऑफ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, कि सबके लिए अवेलेबल हो, इसी गोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वन वीक वन थीम प्रोग्राम को लेके। सो वन वीक वन थीम इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी इनका ही ये थॉट प्रोसेस है, इन्होंने ही इसको मतलब सोच लेके आए कि ये चीज चलाया जाएगा। इससे पहले वन वीक वन थीम इज बिल्ट ऑन द लीगेसी एंड सक्सेस ऑफ वन वीक वन लैब, जो पहले से चल रहा था एक वन वीक वन लैब, उसी को सक्सेसर बन रखा है वन वीक वन थीम प्रोग्राम, एंड इट वॉज मेड पॉसिबल अंडर हिज गाइडेंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हाईलाइटेड द एम एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इनिशिएटिव इज टू क्रिएट। अब इन्होंने बताया है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इनिशिएटिव है, क्या है,
इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीजंस अबाउट द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन लैब्स, कि हमारे देश के जो लैब्स हैं साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, उसमें क्या क्या और इनोवेशन हो रहा है, किस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा रहा है, क्या बन रहा है, उसको सबके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा कि ये चीज से अपडेट रहेंगे हर कोई, टू बेनिफिट देम गिविंग देम न्यू एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरिंग स्टेक होल्डर्स सच एज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, स्टार्टअप, एसएचजी, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, बाय इंटीग्रेशन एंड कोलेबोरेशन विद द इंडस्ट्री, कि अगर पहले से खबर रहेगी कि ये चीजें चल रही हैं देश के अंदर, इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक फील्ड में, तो फिर उस हिसाब से जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना उसके ऊपर एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका फायदा रहेगा। इसके अलावा जेपी नड्डा ने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। डायरिया जो है आप समझ सकते हैं जो पेट से रिलेटेड जो बीमारी होती है जिसमें आप क्लीननेस नहीं रखते हैं या गंदी चीजें खा लेते हैं तो फिर लूज मोशन वाला जो प्रॉब्लम होता है दैट इज रिलेटेड टू डायरिया। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री जगत प्रकाश नड्डा लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो पूरी तरीके से डायरिया को हटाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर कौन है? श्रीमती अनुप्रिया पटेल। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी ये हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनके अंडर ये असिस्टेंट के रूप में काम कर रही हैं, एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोजीशन संभाल रखा है इन्होंने। द डिग्निटरीज आल्सो गिव चिल्ड्रेन जिंक टैबलेट्स। अब जहां पे ये कैंपेन लॉन्च किया गया वहां पे जिंक के टैबलेट्स भी दिए गए, बच्चों में ORS जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एंड दे अनवील्ड IEC मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो मटेरियल हैं कि डायरिया क्यों होता है और बच्चों को कैसे इससे बचाया जाए। बहुत सारे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता है, डायरिया के कारण डेथ हो जा रही है जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसको रोका जा सकता है, राइट। सो लोगो, पोस्टर, रेडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल सब चीज वहां पे अवेलेबल था और उसके थ्रू ये इसको अवेयरनेस कैंपेन के रूप में भी चलाया जा रहा है। अचीविंग जीरो चाइल्ड फैटेलिटीज फ्रॉम डायरिया इन चाइल्डहुड इज द एम ऑफ द स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, कि बच्चों में ये फैटेलिटीज बिल्कुल ना हो, ठीक है, और जीरो लेवल पे पहुंचाया जाए इसको, इसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। करंट डायरिया अप्रोच इंटेल्स अ 2 month कैंपेन विथ प्री पोजिशनिंग ऑफ 2 ORS पैकेट्स एंड जिंक एज अ को पैकेजिंग टू under 5 चिल्ड्रेन, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 2 ORS के पैकेट और प्लस जिंक के जो टैबलेट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पहले भी ये स्ट्रेटेजी चलाई जा चुकी है, 2 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी, बाकी फैसिलिटीज भी आपके हेल्थ सेंटर्स पे अवेलेबल होंगी, राइट। श्री जाधव प्रताप राव इम्फेसाइज द मोर एफर्ट शुड बी पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट डायरिया इन द फर्स्ट प्लेस, ओनली हेल्दी चिल्ड्रेन लीड्स टू अ हेल्दी नेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बाकी उस कैंपेन के अंदर ये भी बोला कि केवल जो हेल्दी बच्चे हैं वही एक हेल्दी नेशन बनाते हैं। एंड ही ऑल्सो वर्स द ऑफिशियल्स टू फोकस ऑन क्लीननेस एंड सेटिंग डायरिया प्रिवेंशन टारगेट्स इन एडिशन टू प्रोवाइड, की साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए और ORS वगैरह जिंक के जो टैबलेट्स हैं वो बच्चों के पास अवेलेबल हो, पेरेंट्स के पास अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को जब जरूरत पड़े दिया जा सके। अनुप्रिया पटेल ने भी इसी में ऐड किया कि इट इज डिस्ट्रेसिंग दैट चाइल्डहुड डायरिया विच इज बोथ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल येट मेनी लाइफ्स आर लॉस्ट ड्यू टू दिस मीनिंग्स, कि जो क्यूरेबल है, प्रिवेंटेबल है, ऐसी कोई डिजीज के कारण अगर किसी बच्चे की डेथ हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और अफसोस की बात हो जाती है, ठीक है। सो री एनर्जाइज देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑन डायरिया टू रीच द गोल ऑफ जीरो चाइल्डहुड डेथ्स ड्यू टू डायरिया, ये हमारा टारगेट रहेगा इस कैंपेन के अनुसार, राइट। इसी में अपूर्व चंद्रा जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ऐड किया कि डायरिया इज अ कॉमन डिजीज फेस्ड बाय चिल्ड्रेन, अर्लियर द गवर्नमेंट यूज टू रन अ फोर्ट नाइटली कैंपेन टू रिड्यूस डायरिया विच इज नाउ री इन्विगोरेटेड इनटू अ मच एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रेहेंसिव कैंपेन, कि पहले से भी 15 दिन के अंदर ये कैंपेन चलाया जाता था, 15 दिन बाद अवेयरनेस होता था, अब इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। अतुल गोयल कौन है? ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने क्या कहा? डायरिया इज ए कॉमन येट प्रिवेंटेटिव डिजीज among children and he hope that this campaign will help in strengthening diarrhea management strategy in the country, ki isse diarrhea management ki jo strategy hai aur zyada enhance hogi badhegi।
ठीक है। सो इन सब का एक अपना व्यू पॉइंट जो था डायरिया का वो दिया गया है। अब जीरो चाइल्ड डेथ का क्या मतलब है यहाँ पे, टू टैकल द परसिस्टेंट इशू ऑफ चाइल्डहुड डायरिया एंड स्ट्राइव फॉर जीरो चाइल्ड डेथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रीब्रांडेड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। पहले ये जो प्रोग्राम चलता था इसको और बढ़ाने की बात कही गई है और लॉन्च किया है स्टॉप डायरिया कैंपेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसकी शुरुआत तो हो गई थी 2014 से ही, अगर मैं बात करता हूँ IDCF की अगर बात हो रही है, एंड इनहेंसिंग द प्रिवेंट प्रोटेक्ट एंड ट्रीट वाला जो स्ट्रैटेजी था वो अपनाने की बात कही गई है, तभी से ये चल रहा है और अब इस पर जीरो डेथ तक ले जाना है। 2024 के डायरिया से रिलेटेड स्लोगन की हम बात करते हैं तो इसमें स्लोगन क्या दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरिया की रोकथाम सफाई एंड और ORS से रखे अपना ध्यान, ठीक है। डायरिया की रोकथाम सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान, ये थीम था, स्लोगन दिया गया, थीम नहीं स्लोगन दिया गया है, ठीक है। और ये स्टॉप जो स्टॉप डायरिया कैंपेन जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा दो फेज में, द प्रिपरेटरी फेज 14 टू 30 जून तक और उसके बाद कैंपेन फेज चलेगा 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 की, पहले प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद कैंपेन चलाया जाएगा ताकि अवेयरनेस और हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। अब नई दिल्ली के अंदर 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो है वो हुआ है भारत मंडपन, जो पहले प्रगति मैदान था उसके अंदर ये करवाया जा रहा है, एंड ये 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, 25 जून से चल रहा है ये, 27 जून तक चलेगा और इसमें बहुत सारे देश, लगभग ओवर 30 कंट्रीज एंड न्यूमरस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डिबेट मैटर्स पर्टेनिंग टू बायोफ्यूल्स एंड शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज जो है, और बायोफ्यूल्स इसलिए कहा जा रहा है कि आप समझ लीजिए कि जो शुगर केन होता है उससे बायोफ्यूल भी बनाया जाता है, तो उसको लेके डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें जुड़े हुए हैं। इंडिया को इलेक्ट किया गया था एक चेयरमैन के रूप में इंटरनेशनल शुगर काउंसिल 2024 के लिए, कब किया गया था, पिछले वाला जो काउंसिल हुआ था उसमें 63rd इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जिसकी मीटिंग हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर लास्ट टाइम, और इस बार इंडिया को ये लीडरशिप दी गई है इसकी। सो एज अ चेयरमैन इंडिया इज होस्टिंग द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग एंड दिस काउंसिल इज इन न्यू दिल्ली, विल बी होस्टेड बाई संजीव चोपड़ा, कौन है, सेक्रेटरी हैं हेल्थ से जुड़े हुए जो सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये इंटरनेशनल शुगर काउंसिल को चेयर कर रही हैं इस बार। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 110 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस शुगर आइदर फ्रॉम शुगर केन और फ्रॉम शुगर बीट। तो शुगर केन और शुगर बीट से लगभग 100 देशों के अंदर शुगर प्रोड्यूस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन कम फ्रॉम द शुगर केन, यानी दुनिया भर में जो शुगर प्रोड्यूस होता है उसमें से 80% शुगर केन से प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। और उसके बाद बीट रूट जो होते हैं उससे किया जाता है। शुगर का जो नॉर्मली सीजन होता है अक्टूबर सितंबर वाला होता है, शुगर केन पूरा साल लेता है अगर हम बात करते हैं उसके कल्टीवेशन वगैरह की तो, राइट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड कौन सा देश है, ब्राजील है, ये ध्यान में रखना है, एंड फॉलोड बाय इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फिर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है शुगर का, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड विद अ शेयर ऑफ अबाउट 15% ऑफ ग्लोबल शुगर कंजप्शन, कि हम दुनिया भर के शुगर कंजप्शन में 15% शुगर हम कंज्यूम करते हैं एंड अबाउट 20% इन शुगर प्रोडक्शन और 20% दुनिया के शुगर प्रोडक्शन का हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड आफ्टर द USA एंड ब्राजील। अगर इथेनॉल की हम बात करते हैं तो इट इज डिराइव फ्रॉम मोलासेस ऑफ द शुगर केन एंड इज इंक्रीजिंगली बींग यूज एज अ बायोफ्यूल। तो जो शुगर केन सड़ता है उससे जो गैस निकलती है दैट इज वो इथेनॉल के रूप में यूज की जाती है, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है USA और ब्राजील के पास इथेनॉल को यूज करने वाला। अगर स्टेट की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में, राइट, एंड एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू ऑफर अ वेन्यू फॉर डिस्कशन ऑन इशूज पर्टेनिंग टू शुगर बिजनेस, शुगर से रिलेटेड जो इशूज होते हैं
इसमें बहुत सारे नेशंस जो हैं इसको ज्वाइन कर चुके हैं और धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्सटेंड होता जा रहा है, बहुत सारे देश और ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। विद 87 मेंबर्स एज ऑफ राइट नाउ, इट अकाउंट्स फॉर 87% ऑफ ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन, कि अब जितने मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं उन वो मेंबर्स मिला के टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 87% शुगर प्रोड्यूस करते हैं, 64% ऑफ ग्लोबल शुगर कंजप्शन, 34% ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट्स एंड 92% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन होल्ड इट्स ट्वाइस ईयरली काउंसिल सेशन, कि मतलब दो बार साल में काउंसिल होता है, इनका सेशन होता है मई और नवंबर में, टू एग्जामिन ग्लोबल पॉलिसी प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू शुगर बिजनेस, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, केरल असेंबली पासेस रिजोल्यूशन टू रीनेम स्टेट एज केरलम। अब केरल जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम केरल स्टेट का नाम क्या कर दें, केरलम कर दें, और मलयाली लैंग्वेज में केरलम करने की बात कही जा रही है, और ये डिमांड बहुत पहले से है, इवन लास्ट ईयर भी अगर हम बात करते हैं तो ये डिमांड रखी गई थी। कुछ टेक्निकल प्रोसीजर इंप्रूवमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये आई थी बात, और उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रोसीजर इसमें इंप्रूवमेंट की बात कही गई थी, और फिर वापस से ये दोबारा पास कर दिया गया है। तो यूनेनिमसली अगर हम बात करते हैं, यानी सभी की सहमति से, अपोजिशन और जो पार्टी पक्ष में है इस समय, गवर्निंग पार्टी है, उन सभी ने कहा है कि 24 जून को पास कर दिया है रिजोल्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि नेम जो है केरल से क्या हो जाए, केरलम हो जाए। द रिजोल्यूशन मूव बाय चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, तो इस समय केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, और इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 3 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें भारत के राज्यों के नाम के बारे में मेंशन किया गया है, उसमें अमेंडमेंट करके और चेंजेस किए जाए, और आर्टिकल 3 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। टोटल हाउ मेनी शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, टोटल हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर दीजिए। दिस रिजोल्यूशन मिरर्स अ प्रीवियस अटेम्प्ट फ्रॉम लास्ट ईयर, मैंने आपको बताया जैसे कि लास्ट ईयर भी ये अटेम्प्ट हुआ था, जिसको वापस भेज दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसीजरल इशू बता के, और इस रिजोल्यूशन को पास करते वक्त चीफ मिनिस्टर ने कहा है द नेम ऑफ केरल इन द मलयालम लैंग्वेज इज केरलम, कि केरल का नाम जो है मलयालम लैंग्वेज में केरलम है, और केरल के जो यूनिटी है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इस लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस पे उन्होंने ध्यान दिया है। ही सेड दैट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मलयाली स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ यूनाइटेड केरल स्टेट फॉर मलयाली स्पीकिंग पीपल ऑफ द रीजन, तो उन्होंने एक यूनाइटेड केरल स्टेट की डिमांड की थी फ्रीडम स्ट्रगल के समय भी, लेकिन तभी से केरल नाम पड़ा हुआ है, और जो आपका पार्ट 8 है उसमें भी एडेड है। After independence, state in India were reorganization based on language and the new states came into existence. तो state reorganization act pass हुआ था, ठीक है, 1st November 1956 को केरल जो था वो form हुआ था। The state was named केरल instead of केरलन in the first schedule of the constitution, की recommendation था केरलम के लिए, लेकिन फिर भी केरल लिखा गया, right? तो इसी चीज की demand कर रहे हैं। So resolution requested the central government to change the state name to केरलम। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, तो ये जरूरी है, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कही जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, की कितनी सीट्स एलोकेट की जाएंगी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, विच हैव लेजिस्लेटिव असेंबली इन द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये फोर्थ शेड्यूल में, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अच्छा, अगर हम केरल की बात करते हैं तो जैसे कोई स्टेट वगैरह आता है, कोई देश आता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाननी होती है। मिथोलॉजी के अनुसार अगर हम जाएं तो कहानियों के अनुसार अगर देखा जाए तो गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, क्योंकि भगवान परशुराम जो विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु थ्रू हिज एक्स इनटू द वास्ट सी, कि वहां पे केरल वाले एरिया में आके वहां से समुद्र में इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी थी, जब लगभग छत्री इसको खत्म करने पे निकले थे, बहुत सारे छत्रियों को इन्होंने मार दिया था, और खून से लगी हुई वो जो एक्स थी उन्होंने कुल्हाड़ी फेंक दी थी, और फिर वहां पे जहां पे इन्होंने फेंकी वहां से एक ये केरल स्टेट इमर्ज होके आया,
और यहाँ पे बाकी लोगों के लिए पीसफुल रहने के लिए इनके जो फॉलोअर्स थे वो रह सकते थे, ऐसा कहा जाता है। सो एंड दिस इज हाउ द स्टेट ऑफ केरल वॉज बॉर्न फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ। तो ये मिथोलॉजी के अनुसार केरल की कहानी है। केरल की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ स्टेट ऑन इंडियाज ट्रॉपिकल मलाबार कोस्ट, तो आप केरल ना बोल के मैं केरलम बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। हैज नियरली 600 किलोमीटर ऑफ अरेबियन सी शोर लाइन एंड इट इज नोन फॉर इट्स पाम लाइन बीचेस एंड बैकवाटर्स, अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। बहुत सारे लोग टूरिज्म पर्पज से भी केरल जाते हैं, काफी सुंदर सा शहर है, ठीक है, स्टेट लेवल की। इनलैंड आर द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन हुज स्लोप्स सपोर्ट टी कॉफी एंड स्पाइस प्लांटेशन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। मॉडर्न स्टेट ऑफ केरल केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st November 1956, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट, ठीक है। स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज साथ में फॉर्म हुई थी। मलयालम स्पीकिंग एरिया ऑफ मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड कसारगोड तालुक ऑफ साउथ कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट वॉज मर्ज विद त्रावणकोर कोचीन स्टेट, की इनको मर्ज कर दिया गया था। सिमिलरली द तमिल स्पीकिंग एरिया ऑफ सदर्न त्रावणकोर कोचीन वर मर्ज्ड विद द मद्रास स्टेट। केरल के अगर कैपिटल की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, ये तो इन्फॉर्मेशन आप सबको होगी। नेक्स्ट न्यूज है श्रीजा अकुला, इन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री क्रिएट किया है, बिकम्स द फर्स्ट इंडियन पेडलर टू विन WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल, ठीक है। तो सिंगल के टाइटल में पहली बार इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडियन पैडलर ये बन गई हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। नाम क्या है, श्रीजा अकुला ऑफ हैदराबाद, एंड श्रीजा अकुला वॉन बोथ द वुमेन सिंगल टाइटल और डबल टाइटल्स, दोनों चीज जीता है इन्होंने, सिंगल टाइटल और डबल टाइटल भी। और कहाँ हो रहा था ये, लागोस 2024 में जो इवेंट हुआ है, WTT कंटेंडर जो इवेंट हुआ है, इसमें प्राइस क्या था, लगभग 80,000 प्राइस में, $80,000 था, एंड इट वाज हेल्ड एट सर मुलैट ओकियो थॉमस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल इन लागोस, कहाँ है, नाइजीरिया के अंदर है। 19 जून से 23 जून के बीच में ये कंपटीशन हुए हैं, ठीक है। इंडियाज नंबर वन रैंक वुमेन सिंगल टेबल टेनिस प्लेयर अभी नंबर वन रैंक पे है श्रीजा अकुला, इन्होंने डिफीट कर दिया 16 साल की यीजी दिंग जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। ये पॉइंट्स थे 4-1, 10-12, 11-9, 11-6, 11-8 एंड श्रीजा अकुला डिफीटेड फेलो इंडियंस। इसके पहले इन्होंने सुतीर्था मुखर्जी को भी डिफीट किया जो कि इंडिया से ही थी सेमीफाइनल के अंदर और फिर फाइनल में पहुंची। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए, राइट, एंड इज पार्ट ऑफ द इंडियन टीम जिसमें अर्चना कमात, अगर टेबल टेनिस से हम बात करते हैं, मनिका बत्रा, शरद कमाल, हरमीत देसाई एंड मानव ठाकर ऑलरेडी हैं। मनिका बत्रा और शरद कमाल जो हैं लीड करेंगे इंडियन कंटिजेंट को 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे, सम टॉपिक्स फॉर सेल्फ रिसर्च। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी जो हमेशा न्यूज में रहती है, इसके बारे में पता करिए डिटेल। अफेक्टिंग रीजनल, हाउ इज इट अफेक्टिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड मेजर पावर राइवलरीज। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस कमीशन की क्या सिग्निफिकेंस है। What is a payment bank? Payment bank क्या होता है? What will be the consequences on environment due to the growth and development of Himalayan region? कि इसका environment पे क्या असर रहेगा? ये कुछ टॉपिक है, आप रिसर्च कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा उसमें से, कि आप कितना आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आंसर मेरे साथ दीजिए। Who is the chairman of the 7-member committee set up by the government of India to review and suggest reform in the examination process and the national testing agency? तो कौन बनाए गए हैं चेयरमैन, के राधाकृष्णन, ठीक है। बहुत शॉर्ट टाइम में हम रिवाइज कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को। When was the national testing agency set up by the government of India? कब set up किया गया था बताइए जल्दी, 2017, 18 या 19? 2017, if I am wrong तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हाँ सर गलत किया आपने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, कब किया गया है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब से सेपरेट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स से चेंज करके एजुकेशन में। हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, अभी कौन है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान।
लॉन्च्ड वन वीक वन थीम, हु लॉन्च्ड वन वीक वन थीम कैंपेन, किसने लॉन्च किया है? जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए इसका आंसर मैं करूंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कुछ तो इसमें से ऐसे ही आप चाहे तो एलिमिनेट करके मेथड यूज कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024? अब डायरिया है तो हेल्थ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इजी क्वेश्चंस। वेयर वॉज द 64th इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड? कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और प्रीवियस कहां हुआ था? लंदन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन? कहां है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में या लंदन में? ठीक है, लंदन। ओके, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर इन द वर्ल्ड? कौन सी देश है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? दैट इज ब्राजील। इंडिया किस पे है? सेकेंड नंबर पे है। विच इज द लार्जेस्ट सुगर कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? अब नॉर्मली जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है वही लार्जेस्ट सुगर कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। द केरल लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम। केरल का नाम क्या बदलने के लिए कहा गया है, क्या रखने के लिए? केरलम, ठीक है। मलयाली लैंग्वेज को प्रेफरेंस देने की बात कही गई है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल? अभी प्रेजेंट में, करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। हु हैज द पावर टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट इन इंडिया? किसके पास ये पावर है, क्योंकि यूनियनिमसली पास कर दिया गया केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली से, और फिर किसके पास आया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। तो डेफिनेटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। केरल इज ऑल्सो नोन एज, किस तरीके से और केरल को हम जानते हैं? गॉड्स ऑन कंट्री, भगवान का अपना देश। मिथोलॉजी स्टोरी मैंने बताया आपको, परशुराम की कहानी। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन WTT कंटेंडर सिंगल्स टाइटल इन टेबल टेनिस? पहले इंडियन, श्रीजा अकुला। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज करेंट अफेयर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।